हाय बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम हो रहा हो। मैं हूं आपका इम्तियाज सर और आप हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अनन्य स्टूडेंट्स। आज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 to 50। चैप्टर वही है, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज। दो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन में 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन डील किए हैं, पार्ट टू में 13 से लेकर के 33 तक डील किए हैं और ये पार्ट थ्री है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट, पार्ट फोर, उसके बाद चैप्टर या थ्री सीख लिया। आइए सर, फिर से सर क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है और हम लोग ये देख रहे हैं कि 3x² - 14x + 8। दो तीन बातों का ध्यान रखना था। मैं यहाँ पर पहले साइन देखना है हम लोग को, सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमको ऐड करके लाना है और अगर निगेटिव रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। ये दो बात क्लियर कीजिए। टारगेट करते हैं लास्ट वाले को और देखते हैं फर्स्ट वाले टर्म से कि क्या इसको अकेले टारगेट करना है या इसका बॉडीगार्ड भी है। तो नहीं, इसका बॉडीगार्ड भी है, तो बॉडीगार्ड को ही पीटेंगे, इसको ही पिटाई करेंगे। 8 और 3 है, मतलब 8 3 जा, ये मैटर है, 8 3 जा 24। एक्चुअली इससे पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीपल नहीं था, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं था। अभी 24 है, आइए सर 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देख लीजिए, ये आपके मन में अगर आता है सर कि 14 को ऐसा कैसे तोड़ा जाए कि ऐड करके 14 आ जाए, है ना, तो देखिएगा सर 12 × 24, अब 12 × 2 = 14 हो सकता है। आइए सर प्राइम फैक्टर से भी देख लेते हैं, 2 से कितना बार में, 12 बार में, 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 6 × 12 = 24। हमारे पास क्या है, 2 2 2 और 3, ठीक है। अब देखिए 3 × 6 6 × 12 12 × 2 = 14, मतलब 12x और 2x जोड़ के लाना है, लेकिन जोड़ करके माइनस लाना है। तो अगर -12x - 2x रहेगा तो -14x होगा कि नहीं होगा। आइए बस इसी को लिख देना है सर, 3x² - 12x - 2x + 8। क्लियर हो रहा है। आइए सर यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या सर, x बचेगा, -4 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, प्लस था माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -4 बचेगा। अब बात देखिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, इस वाले पार्ट में भी x - 4, इस वाले पार्ट में भी x - 4, तो x - 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, 3x - 2। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखिए सर, देखिए अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 3x - 90। तो सर टारगेट तो इसी को करना है, लेकिन पहले देखना है इसका कोई मल्टीपल है कि नहीं है। तो मल्टीपल 2 है, 90 × 2 = 180, मतलब ये 180 को टारगेट करना है। माइनस मतलब घटा के लाना है, कोई ऐसा दो डिजिट सोचेंगे सर कि घटा करके सर 3x आ जाए, मतलब 3 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए। तो आप देखिए सर 15 × 12, अगर 15 × 12 करेंगे 15x और 12x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 12 = 180 और घटा के लाना है, 15 में से 12 गया तो 3x, प्लस है इसलिए बड़ा में प्लस साइन देंगे हम लोग। आइए सर देखते हैं, 2x² + 15x - 12x - 90। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो अगर x कॉमन लें तो क्या बचेगा सर, 2x + 15, यहाँ क्या कॉमन ले लिया जाए, यहाँ देखिए सर कॉमन ले लेते हैं हम -3 12 है ना, ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लिया, अब ये दोनों में हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा सर, 2x, माइनस तो कॉमन हो गया बाहर, प्लस बचा 90 में से 6 किए सर, ये 15 बच गया। एक बात हम लोग ध्यान देंगे सर, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों पोर्शन हमारा सेम रहेगा। अब कॉमन क्या हो जाएगा, 2x + 15 × x - 6, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है √5x². अब देखिए सर के √5 भी x² में मल्टीप्लाई है, एक्चुअली में ये है क्या, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर क्या है सर, तो 3√5 है √5 है, नहीं तो √5 × √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या होगा 3 × √5 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होता, मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में क्या होता है, 3 × 5 = 15,
15 का चिन्ह हरण करना है, रूट फाइव है, चलिए सर 2 लाना है 15। आइए तो देखते हैं सर 15 को कैसे सर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। 3 से करते हैं 5 बार में, मतलब एक 5x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए सर 2 लाना भी है, माइनस सर कराना है, माइनस से साइन है, रूट अंडर 5x स्क्वायर। आइए सर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3 अंडर रूट 5। आइए ये दोनों को कॉमन लेते हैं। 5 का मतलब क्या है सर? 5 का मतलब है कि दो चीज़ें सर, रूट 5 इंटू दूसर का मार्कर से लिख देते हैं सर। तो आप देखिए 5 का मतलब क्या, रूट 5 इंटू रूट 5 मानते हैं बात को। आइए तो इसमें से रूट 5 इंटू रूट 5 है, तो अगर हम रूट 5x कॉमन ले लें तो क्या बचा होगा सर? x बचा होगा प्लस, ये तो एक रूट 5 का बाहर चला गया तो क्या बचा होगा? x बाहर चला गया तो रूट 5 बच रहा होगा। इसमें से देखिए माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा होगा? x 3 माइनस कॉमन तो ये प्लस हो गया, रूट 5 बच रहा है। क्या हो जाएगा बाबू? x प्लस अंडर रूट 5 इंटू रूट 5x माइनस 3। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, 2 रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 रूट अंडर 3। हम कनेक्शन देखेंगे ये दोनों का, क्योंकि सर अब तो x स्क्वायर का कोफिशियंट होने लगा है। आई सर x स्क्वायर का कोफिशियंट है तो 2 रूट अंडर 3 इंटू 5 रूट अंडर 3, ठीक है। 5 टू जै 10, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल, मतलब 30। 30 को दो ऐसा डिजिट में तोड़िए कि सर माइनस करने पर x आ जाए, तो 5 6 30, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए तो ऐसा ही हो गया सर, 2 रूट अंडर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5 अंडर रूट 3, ठीक है। आइए सर दिमाग लगाते हैं, कॉमन क्या लेंगे सर? टेंशन यहाँ पे हो गया सर, कॉमन क्या लेंगे? 6 जो है वो क्या है? 6 जो है वो एक्चुअली में 2 इंटू 3 है, और 3 क्या है सर? 3 जो है वो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है। तो देखिए तो 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, क्या हम 2 अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। 2 अंडर रूट 3 एक्स कॉमन, क्या बचा होगा? x बचा होगा प्लस क्या बचा होगा सर? x तो कॉमन हो गया, यहाँ पर अंडर रूट 3 बचा होगा। इसके देखिए सर 5 5 है, माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? x माइनस अंडर रूट 3। ना ना माइनस तो कॉमन हो गया सर, प्लस, ठीक है। आइए सर x प्लस से एक बार ध्यान रखिएगा सर, x ये जो आएगा वही सेम चीज ये आएगा। आइए सर x प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 रूट अंडर 3 x माइनस 5। बात समझ में आ रहा है? आइए सर नेक्स्ट वीडियो, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर? 7x स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 14x प्लस 2। देखिए अंडर रूट का मैटर आना चालू हो गया है बाबू, माइक पर है ना बाबू? हाँ है। अंडर रूट का मैटर आना चालू हो गया है, मेन बात क्या? तो 7 × 14 मेन हमको सर फैक्टराइज 14 का करना है, लाने में 2 रूट अंडर 14 चाहिए। भैया 2 रूट अंडर 14 चाहिए, कैसे होगा सर? 1 रूट अंडर 14 2 रूट अंडर 14, तो रूट अंडर 14 रूट अंडर 14, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? रूट अंडर 14 का स्क्वायर, ये दोनों मर जाएगा, 14 बचेगा। आई सर 7x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 14x प्लस रूट अंडर 14x प्लस 2 कॉमन लेते हैं सर। अब तक कॉमन लेने के क्रम में समझिए सर, रूट अंडर 14 कैसे आया होगा? रूट अंडर 14 को लिख सकते हैं रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 2, 7 को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7। बस समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से देखिए तो सर क्या हो जाएगा, रूट 7 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसमें भी रूट 7 इसमें भी रूट 7, रूट 7 ले लेंगे कॉमन, x है 7 में तो रूट 7x, तो ये तो कॉमन इधर से, ये तो कॉमन इधर से, x वाला कॉमन आ गया होगा तो क्या बचा होगा? x कॉमन बचा होगा, x यहाँ बच गया प्लस, रूट 7 चला गया रूट 2, x तो बाहर आ गया। चलिए सर यहाँ पर देखिए रूट वही, रूट 14 का मतलब क्या? रूट 14 का मतलब रूट 7 गुना रूट 2, और 2 का मतलब क्या? रूट 2 गुना रूट 2। ये दिमाग में आ रहा है सर? 2 और 2 रूट 2 रूट 2 कॉमन हो जाएगा, साफ साफ लिख दीजिए सर रूट 2, एक्स नहीं होगा सर, यहाँ क्या बचेंगे? अरे यहाँ तो हम लिखे ही नहीं सर, 7 रूट 7 ना आया है, तो यहाँ पर देखो रूट 7x बचेगा, तब तो हुआ होगा। आई सर यहाँ पर क्या बचा? रूट अंडर 7x प्लस रूट अंडर 2। देख सर ये दोनों सेम आ गया, आइए क्या होगा? कॉमन रूट 7x प्लस रूट 2 इंटू रूट 7x प्लस रूट 2। बात समझ में आ रहा है? आई सर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
39 को तो 39, 39, 69, 59 फर्क नजर आता है। आज आप लोग का वर्क है सर कि 39 क्या होता है, 69 क्या होता है, 59 क्या होता है और 79 क्या होता है, 89 क्या होता है, ये सब बात का जानने का जरूरत है। सब अंग्रेज बनल है 89, 79, 69, ये सब भी जानिए तो हो जाएगा दिक्कत। तो बोल देगा 39, ये कोई बात है? आइए बच्चे लोग देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कि भैया बॉडीगार्ड अभी साथ साथ मिल रहा है बार बार, ऐसा मतलब 6 √3 × 5 √3 √3 × √3 हो जाएगा 5 × 36 = 3 = 90, मतलब भैया 90 का मैटर है। अब ऐसा दो डिजिट जो जोड़ने पे ऐड करने पर 47 है भाई, 45 × 90, अरे भैया 45 × 2 जोड़ेंगे तो 47, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अच्छा लेकिन सर माइनस में लाना है, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस होता है। आइए सर 6 √3 × x² बड़ा बड़ा काहे लिख रहे हैं सर, सजेशंस आए हैं, अब बहुत छोटा लिखते हैं सर, बड़ा लिखा कीजिए। हमने सर ठीक है देखो, माइनस 45 × x − 2 x + 5 √3, इसीलिए एक में ही आज लिख रहे हैं। अच्छा देखिए सर, इसमें कॉमन लेने में थोड़ा सा टेंशन लग सकता है, तो टेंशन लगने वाला बात नहीं है, दिमाग लगाइए सर। 6 √3 है, 45 है, 45 मतलब 45 कैसे आया होगा, 45 कैसे आया होगा, 15 × 45 आया होगा, बस समझ रहे हैं, 15 × 45 आया होगा। अब दिमाग लगाइए, 6 √3 बोल रहा है, मतलब 15 × 45 √3, मतलब √3 × √3 ये हो गया। आई क्या है भैया, ये 15 × 3 = 5 है। अब देखिए इसमें √3 है, ये क्या है तो 2 × 3 × √3 है, ये 45 क्या है 3 × 5 × √3 × √3 है, बस समझ रहे हैं। अब देखिए कॉमनवा का का होगा, ए बाबू कॉमन, ये 3 × 3 कॉमन √3 √3 कॉमन, मतलब 3 √3 होगा कॉमन, अब बचेगा क्या 2x, यहाँ भी x कॉमन एक, अच्छा यहाँ क्या बचेगा माइनस, अरे 45 ना है 5 होगा यार, एगो 5 है, 5 है, 5 है, 5 5 × 15 = 45, आइए सर क्या बचा होगा यहाँ पर 5x, क्लियर ना ना, √3 भी है सर, √3 भी है, 5 √3 x हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉमन क्या होगा सर, ना कुछ नहीं, -1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2x, माइनस होता ही प्लस हो गया, प्लस होता ही माइनस हो जाएगा 5 √3, देखिए दोनों सेम आ गया, कॉमन लेने वाला मैटर समझ में आ रहा है ना, समझिए फिर से, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए सर, आपको फिर से एक बार समझाते हैं सर, इस सब मैटर में ना गड़बड़ाना नहीं है, यही सब आगे आपको काम देंगे। देखिए सर समझिए बात को, क्या हुआ है, हुआ क्या, अरे यार ओहू मिटा दिए हम 6 √3 x² − 45 x − 2 x + 5 √3, मानते हैं कॉमन निकालने का मैटर है, कॉमन निकालिए सर, 6 कहाँ से आएगा 2 × 3 = 6 √3, ये है 45 क्या है 15 × 45, मतलब 3 × 5, 5 × 15 = 45, ठीक है। अच्छा रूट थ्री का मैटर है, रूट थ्री कॉमन निकालना है, तो इसको √3 × √3 लिख देंगे ताकि मेरा √3 बाहर आ जाए। अब दोनों में क्या क्या कॉमन आएगा समझिए बात को सर, 1 √3 1 √3 1 √3 1 √3, बाकी तो बच जाएगा 3 √3 कॉमन, x दोनों में है x कॉमन, क्या बचा होगा सर 2 × 2 x − 5 √3, x तो बाहर आ गया भैया, यही लाना है प्लस है माइनस लाना है, −1 क्या बचा होगा 2 x − 5 √3, अब समझ में आ रहा है डिटेल, आई सर कॉमन टोन में 2 x − 5 √3, इधर क्या हो जाएगा 3 √3 x − 1, बात समझ में आ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट।